Hello everyone, this is Rohit, welcomes you in the Real Concept. Today the topic we are going to discuss is divisibility. We will discuss today divisibility. आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है divisibility. Divisibility बहुत सारे नंबर से हम चेक करते हैं, लेकिन मेनली हम चेक करते हैं बाई टू थ्री फोर एंड फाइव. तो चेक करते हैं हम डिविजिलिटी. तो पहला है बाई टू, डिविजिलिटी बाई टू. हमें चेक करना है किसी भी नंबर जो गिवन नंबर है उसका हम डिविजिलिटी टू से कैसे चेक करेंगे. इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई नंबर लेते हैं, क्या करते हैं कोई नंबर लेते हैं. एग्जांपल समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा. डिविजिबिलिटी बाई टू, तो पहला हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाई टू, जिसमें हम पता करना है कि कौन सा नंबर और टू से डिविजिबल होगा या फिर नहीं, या फिर होगा तो कैसे होगा. रूल जो है उसको जानते हैं. रूल्स इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है कि एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 48 एक नंबर है जिसमें हमें पता करना है कि ये नंबर टू से डिविजिबल कम्प्लीटली डिविजिबल है या फिर नहीं. तो क्या करते हैं इसके लिए, हमें इस नंबर्स का वंस प्लेस देखना पड़ता है. वंस प्लेस, यदि किसी नंबर का वंस प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से किसी भी एक से आता है, किसी भी वंस प्लेस, किसी भी नंबर का वंस प्लेस यदि 0, 2, 4, 6, 8 पर हो तो वो नंबर टू से डिविजिबल होता है. जिसकी एग्जांपल लीजिए 468. नंबर का वंस प्लेस जो है वो है 8. नंबर का वंस प्लेस क्या है? 8. तो 8 जो होगा तो टोटल नंबर जो है 468 ये टू से डिविजिबल होगा. देन वी कैन से दैट द नंबर 468 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय टू. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज 5024. वी हैव टू चेक द नंबर वेदर इट इज़ डिविजिबल और नॉट. Then we have the ones place number that is equal to 4. We have to check it whether it is divisible by 2 or not. Ones place is 4. As we know 0, 2, 4, 6, 8 must be at the ones place. 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर यदि किसी नंबर के ones place पर है तो वो नंबर 2 से divisible होता है. Let for example 5024. Number starts with 4, that is ones place, then we can say that the number given 5024 is divisible by 2. तो हम समझेगा कि किसी भी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यदि हम 2 से चेक करें तो क्या करना पड़ता है, हमें ones place देखना पड़ता है. यदि ones place 0, 2, 4, 6, 8 से के साथ एंड होता है या फिर स्टार्ट होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. इफ द नंबर डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द नंबर गिवन एयर देन द नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाई टू. लेट फॉर एग्जाम्पल 5049. द नंबर स्टार्ट्स, आई मीन टू से इन अदर वर्ड्स, स्टार्ट्स विथ द नंबर एट वंस प्लेस इज 9. That does not belong from this. That does not belong for this because 0, 2, 4, 6, 8 is here. Then we can say that the number here is not completely divisible by 2 because the 9 does not belong to this group. Then we can say that the number 5049 is not divisible by 2. Now we have to check the divisibility of a given number by 3. What is the law? एक समझते हैं कि किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी 3 से क्या होता है. तो एग्जांपल लेते हैं 4069. अगर क्वेश्चन ये है कि इस नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है, चेक द नंबर वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट विदाउट डिवीज़न, हाउ विल वी डू इट. इसके लिए हम क्या करना है, पहले कि टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा. ये जो नंबर है इसका जितने भी डिजिट्स है जैसे कि 4069, इसका जो टोटल सम है क्या करना है, 4 + 0 + 6 + 9. तो टोटल जो डिजिट्स है उसके सम कितना हो जा रहा है,
4 plus 6 10, 10 plus 9 19, 10 plus 9 19 टोटल सम हुआ विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई थ्री, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई थ्री, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई थ्री. देन वी कैन से दैट द नंबर इज हेयर, द नंबर हेयर इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री, द टोटल नंबर गिवन इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री. समझते हैं एक बार फिर हिंदी में. जो भी नंबर दिया गया, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में 5024, टोटल सम क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, द टोटल सम इज 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 4 11, 11 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, 11 जो है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 5024 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. लेट्स टेक अनदर 5609 चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं विदाउट डिवीजन. हाउ वी विल डू इट, 6 प्लस 0 प्लस 9 कर देना है और चेक करना है टोटल सम कितना हो गया, 15. 15 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 3 5 या 15, तो 3 5 या 15, चूँकि 15 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 609 भी जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है. और समझते हैं हम एक दूसरा एग्जांपल, जैसे कि 10014 कितना हो गया, 10014. तो चेक करना है कि 10014 जो है वो 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं. तो हम क्या करते हैं, एक टोटल सम करना है किसी भी नंबर को का डिविजिबिलिटी यदि हमें चेक 3 से चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल सम ऑफ द डिजिट्स गिवन इन द नंबर, जो ये नंबर में जो भी नंबर दिया गया है जो भी डिजिट्स है सबका सम कर देना है. तो सबका सम करने पर क्या होता है, 1 प्लस 4 कितना हो गया, 6. अब ये 6 हो गया, 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है. तो हम कह सकते हैं कि 10014 जो है वो 3 से डिविजिबल है. तो 10014 जो है वो 3 से डिविजिबल है, और जो नंबर इसका सम जो टोटल आ रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो टोटल नंबर गिवन द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. जस्ट फॉर दिस एग्जांपल टोटल सम कितना आ रहा है, 11. तो 11 जो है वो 3 की टेबल 3 से डिविजिबल नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि 5024 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3. लेट्स स्टार्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 4. हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 4. अब हम चेक करते हैं कि किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी 4 से कैसे चेक करते हैं, किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी 4 से कैसे चेक करते हैं. तो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट इज़ 404. चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं. चेक वेदर द नंबर गिवन हियर इज़ डिविजिबल बाय 4 और नॉट. तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना है कि जब हम 4 का डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमें किसी नंबर का 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वंस और टेंस प्लेस को लेते हैं. वंस और टेंस क्या हुआ, 0 और 4. तो वंस और टेंस प्लेस से जो नंबर बना है, क्या नंबर बना है, 0 4, मतलब क्या, 4. तो 4 क्या हमें चेक करना पड़ेगा, 4 से डिविजिबल है. हाँ, 4 जो है वो 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 बन जाए 4, तो 4 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसीलिए हम कह सकते हैं तो 404 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 15056 15056 ये 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं. तो हमें क्या करना है, पहले वंस और टेंस प्लेस से जो नंबर बना है, वंस और टेंस प्लेस से क्या नंबर बना है, 56. तो 56 4 से डिविजिबल है. हाँ, 56 जो है वो 4 से डिविजिबल है. 56 जो है 14 4 56, इसलिए क्योंकि 56 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसीलिए 15056 जो है वो भी 4 से डिविजिबल होगा. और जो नंबर, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 15054, ये एग्जांपल लेते हैं, वंस और टेंस प्लेस से जो नंबर बना है, वंस और टेंस प्लेस से नंबर क्या बना है, 54. तो 54 से डिविजिबल है नहीं, 54 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है. तो हम कह सकते हैं 15054 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4.
15,054 is not divisible by 4 because 54, the number formed by 1s and 10s place is not divisible by 4. 1s और 10s place से जो number बना है वो 4 से divisible नहीं है, इसीलिए हम टोटल जो नंबर है, टोटल जो नंबर गिवन है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 1s और 10s प्लेस से जो फॉर्म्ड नंबर है जैसे कि 56 4 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि 15,056 इज डिविजिबल बाय 4 कम्प्लीटली। आया समझ में? तो अगला जो हमारा टॉपिक है अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय फाइव। इसका बहुत ही आसान है, पहले दोनों से काफ़ी आसान है। हमें बस ये देखना है कि यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पर जीरो या फाइव मतलब क्या, या तो जीरो हो या फिर फाइव हो या फिर दोनों हो, या तो जीरो हो या फिर फाइव हो या तो दोनों हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर फाइव से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5,435, इसमें वंस प्लेस क्या है, फाइव है। तो वंस प्लेस चूँकि फाइव है इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 5,435 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय फाइव, क्योंकि 5,435 जो है वंस प्लेस पर क्या है, फाइव है। देन वी कैन से दैट द नंबर दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय फाइव। अभी हम देखें फाइव जब वंस प्लेस पर नंबर है तब, यदि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 1000050 या फिर 1029860, इस दोनों नंबर हम देखिए वंस प्लेस पर क्या है, वंस प्लेस पर जीरो है, दोनों नंबर के वंस प्लेस पर जो है वो जीरो है। चूँकि दोनों नंबर के वंस प्लेस पर जीरो है इसीलिए हम कह सकते हैं, देख कर ही बता सकते हैं द नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव, या तो जीरो हो या फिर फाइव हो, या तो जीरो हो या फिर फाइव हो, जो भी नंबर है अगर जीरो या फाइव में से किसी नंबर के वंस प्लेस आर आता है तो हम समझ जाते हैं कि वो नंबर जो है वो फाइव से कम्प्लीटली डिविजिबल है। और अगला जो हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय सिक्स सेवन एट ये सब हम नेक्स्ट अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय सिक्स सेवन एट जो भी है आगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।